नमस्कार, सुमास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम नमकीन बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक कटोरी मैदा ले रही हूँ और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च कूटा हुआ और एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अजवाइन को हाथ में क्रश करके दे रही हूँ और 8-10 काली मिर्च को कूट के दे रही हूँ। साथ में मैं कसूरी मेथी को हाथ में ऐसे थोड़ा सा क्रश करके इसमें ढाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें नमक ढाल दूँगी एक चम्मच जैसा और अब मैं इसमें 3 चम्मच जैसा घी ढाल दूंगी। ये जो खस्ता होता है घी डाल के बनाने से बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में। यहाँ पर आज मैं दिवाली स्पेशल बना रही हूँ नमकीन, बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको आप बना के महीना भर भी खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी चाय के साथ खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। यहाँ पर मैदा को पहले अच्छा से मैं सभी जो इसमें मसाले ढाली हूँ अच्छा से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको तब तक मिलाना है जब ये मुट्ठी बनने लगे, तो इसको मैं अच्छा से मोइन करूँगी और जितना आप इसको मसलेंगे उतना ही अच्छा इसमें मोइन होगा और उतना ही अच्छा खस्ता बन के आपका नमकीन तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं अच्छा से इसको मसलने के बाद आप देख सकते हैं मुट्ठी बनने लगा है और बहुत ही अच्छा सा ये मोइन हो गया है। इसमें मैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और इसका एक सख्त डो बना कर तैयार करूँगी। तो डो जो है वो सख्ती बनाना है, नरम नहीं करना है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छा से मैं इसका डो बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छा से मसल के और इसमें पानी जो है उसको मिक्स कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छा से मिला के और लगभग 1/2 कप जैसा पानी इसमें लगा है। तो इसको अच्छा से मैं मसल लूँगी और मसल को इसके अच्छा से इकट्ठा करके मैं इसको ढक के और कम से कम 20-25 मिनट के लिए इसको रख दूँगी साइड में। और ये जो है वो अच्छा से तब तक की जो मैदा है वो अच्छा से फूल जाएगा और इसको मैं अब ढक दूंगी और ढक के इसको कम से कम 25 मिनट के लिए मैं इसको साइड में रख दूंगी। देख सकते हैं डो जो है एकदम सख्त है और इसको सख्त ही डो बना के रखना है। अब मैं इसको ढक दे रही हूँ और यहाँ पर अब मैं इसको साइड में रख दे रही हूँ, तब तक मैं उसके लिए साटा बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ और साथ में 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच मैदा और 1/2 चम्मच जैसा मैं कॉर्नफ्लोर इसमें ले रही हूँ और सभी चीज़ों को मैं अच्छा से मिक्स करके और जो ये साटा होता है इसको अच्छा से मैं मिला लूँगी। तब देख सकते हैं इसका ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पर मैं साटा जो है वो भी बन गया है। अब मैं यहाँ पर जो आटा गूंथ के रखी हूँ वो लगभग 20-25 मिनट हो गया है, जिसको मैं थोड़ा सा हाथ से अब मसल लूँगी और देखिए एकदम सख्त है। अब मैं यहाँ पर एक चकला ले रही हूँ और चकले पर मैं जो आटा है उसको रख दूँगी और थोड़ा सा हाथ से इसको मसल लूँगी और मसल के इसको मैं ज़्यादा नहीं मसलूँगी, थोड़ा सा हल्का सा इसको मसल के अब मैं इसको गोल बना के और इसको एक चाकू से मैं इसको 4 भाग में डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले 2 भाग कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको 4 भाग में डिवाइड कर दूँगी तो ये समान समान ऐसे हो जाएगा। उसके बाद मैं जो ये आटा है उसको मैं अलग सा साइड में रख दूँगी और एक जो आटे का लोई है उसको रख के चकले पर इसको एकदम पतला सा बेल दूँगी। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है। तो इसको मैं अच्छा से पहले एक लोई को ले रही हूँ और उसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे घुमा के और इसको अच्छा से बेल लूँगी और इसको तब तक मैं बेलूँगी जब एकदम पतला सा इसको बेल के तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं इसको, इसमें कोई आटा या तेल का ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही इसको बेल के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैं ऐसे अच्छा से इसको एकदम पतला सा इसको बेल लूँगी और यहाँ पर 4 डिवाइड में की हूँ तो 4 ही मैं रोटी बनाऊँगी और इसको अच्छा से पतला सा सीट जो है उसको तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एकदम पतला सा बन के तैयार हो गया और थोड़ा सा मैं इसको बेल दूँगी तो बहुत ही मसालादार जो खस्ता होता है वो बन के तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप बना के महीना भर भी स्टोर करके रख खा सकते हैं चाय के साथ, बहुत ही टेस्टी होता है। घर में कोई आ जाए तो उसको भी आप बना के इसको चाय के साथ दे सकते हैं। आप बना के रख देने से आप इसको दे सकते हैं दिवाली में स्पेशल बना के, आप पहले से बना के रख देने से दिवाली में टेंशन नहीं रहता है, ये सब चीज़ बना हुआ रहता है तो आराम से दिवाली के दिन आप इसको किसको खिला भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके मैं 4 सीट बेल के तैयार कर ली हूँ। तो देख सकते हैं एक चकले पर है, यहाँ पर 3 सीट को मैं रखी हूँ थाली में। तो देखिए और देख सकते हैं कितना सुंदर मसालेदार एकदम जो सीट है वो तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं, यहाँ पर जो मैदा का साटा बना कर रखी हूँ ना, इसको मैं आप
चम्मच से इसको अच्छा से फैला दूंगी। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छा से मैं रोटी के ऊपर अच्छा से इसको फैला दे रही हूँ, और उसको अच्छा से फैलाने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दूंगी। जो सूखा मैदा होता है उसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे छिड़क दूंगी। तो ऐसे जो दूसरा मैं सीट इसमें लगाऊंगी वो ज़्यादा चिपकेगा नहीं। इसको मैं दूसरा जो सीट है रोटी बेल के रखी हूँ उसको उठा लूँगी और उठा के मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो आपको जो रोटी है एकदम पतला ही बेलना है। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो दो से भी बना सकते हैं या तीन चार, यहाँ पर मैं चार से ही बना रही हूँ। तो इसको अब मैं थोड़ा सा जो साटा है उसको ऊपर से लगा दूँगी और ऊपर से दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा मैदा को छिड़क दूँगी। ऐसे करके मैं चारों जो सीट है उसको ऐसे ही एक के ऊपर एक ऐसे रख दूँगी और रख के इसको तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अब तीसरा जो है उसको भी रख दे रही हूँ और मैं इसके ऊपर दोबारा से ऐसे ही साटा को लगा दूँगी और ऊपर से थोड़ा सा मैदा को डस्ट कर दूँगी। ऐसे करके मैं सभी रोटी के एक साथ रख दूँगी। यहाँ पर देखिए अब मैं जो चौथा रोटी है उसको भी इसके ऊपर रख दे रही हूँ और इसको एकदम पतला ही रखना है, इसको मोटा नहीं रखना है। तो यहाँ पर अब मैं इसको रख देने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा सूखा मैदा डाल दूँगी और इसको अब मैं बेलन चकले पर से उतार दूँगी क्योंकि चकले पर ये बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। इसके लिए मैं चकले पर से उतार के और इसको ऐसे मैं नीचे इसको मैं अच्छा से बेल के थोड़ा सा इसको हल्का सा मैं इसको बेलूंगी। ज़्यादा इसको सख्त हाथों से नहीं बेलना है, थोड़ा सा हल्का हाथों से मैं इसको बेल के थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये चार सीट होने के बाद थोड़ा सा मोटा हो गया है। तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे इसको थोड़ा सा बेल के थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बेल के तैयार हो गया है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको साटा लगा दूँगी, जो यहाँ पर मैं देखा खोले उसको ऐसे लगा दूंगी ऊपर से और थोड़ा सा ऊपर से मैं इसको मैदा डस्ट कर दूंगी। और उसके बाद मैं एक साइड से उठा के इसको देखिए इसको एक साइड से इसको ऐसे उठा दूंगी और दूसरा साइड से भी इसको ऐसे उठा के और रख देना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से दोबारा से मैं साटा को लगा दूंगी और थोड़ा सा मैदा छिड़क दूंगी। उसके बाद मैं इसे साइड से इसको उठा के ऐसे रख दूंगी और इधर से भी उठा के इसको ऐसे बीच में रख दूंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको हाथ से ऐसे थोड़ा सा इसको दबा के अब मैं थोड़ा सा मैदा छिड़क के और इसको मैं ऐसे ही इसको बेल लूँगी। इसको हल्के हाथों से ही बेलूँगी, ज़्यादा इसको दबा के इसको बेलना नहीं है। तो ऐसे हल्के हाथों से इसको बेल के थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हल्के हाथों से इसको बेल रही हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे जो सीट है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी। तो ऐसे करके थोड़ा सा देख सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और साटा लगा दूँगी और लगा के थोड़ा सा मैदा ऊपर से दोबारा से छिड़क दूँगी। तो यहाँ पर जो खस्ता होता है ऐसे बनाने से खस्ता भी होता है और अच्छा भी लगता है और लेयर इसका ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर मैं अब इसको मैदा छिड़कने के बाद इसको मैं पहले जैसे की थी उसे सेम वैसा ही मैं इसको दोबारा से कर रही हूँ। तो देखिए इसको अब मैं बेल लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको दोनों साइड से करने के बाद इसको मैं अब थोड़ा सा मैदा छिड़क के और इसको ऐसे लंबा ही हल्के हाथों से इसको बेल लूँगी। तो इसको ज़्यादा दबा के बेलना नहीं है, हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा बेल के मैं ले लूँगी। तो देखिए ऐसे करके मैं इसको बेल ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है ये बेल के तैयार हो गया है। अब मैं एक चाकू की मदद से इसको पतला पतला काट के और इसको तैयार कर लूँगी। ऐसे नमकीन बना के रख देने से आप कभी भी इसको चाय के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं और अच्छा भी लगता है घर का बना हुआ चीज़ खाने में। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना बेल ली हूँ। अब एक चाकू ले रही हूँ और इसको ऐसे थोड़ा सा छोटे पतला पतला मैं काट के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा इसको मोटा नहीं रख रही हूँ, इसको थोड़ा सा पतला पतला ही इसको काटूँगी। यहाँ पर ऐसे काट के मैं सभी नमकीन को तैयार कर लूँगी। यहाँ पर सभी नमकीन जो है ऐसे ही काट के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर कितना नमकीन को मैं काट के थाली में रख दी हूँ और बाकी का जो है उसको भी ऐसे ही काट के ले लूँगी। तो यहाँ पर ऐसे सभी नमकीन को काट के तैयार कर लेना है। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे बना के
और आप कभी भी इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। और तो यहाँ पर सारा नमकीन को मैं बना के तैयार कर ली हूँ। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ और तेल जब मीडियम गर्म हो जाए तब मैं इसमें एक एक करके नमकीन को ढाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं 2-3 बार में इसको तलूँगी और एक बार ढाल के और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर ही इसको तलने के लिए छोड़ दूँगी। तो कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएगा इसको तलने में, और इसको हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, मीडियम फ्लेम पर इसको तलने से ये ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसको तलने के लिए छोड़ दे रही हूँ और बीच बीच में इसको चलाते रहूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, और आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बढ़िया सा आ गया है। अब मैं इसको निकाल दूँगी और बाकी का जो है ऐसे ही तल के तैयार कर लूँगी। तो ऐसे खस्ता नमकीन आप लोग इस दीपावली पर बनाइए, खाइए, कमेंट करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे बना कर रख देने से आप महीना भर भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही मसालेदार रहता है, तो बहुत ही चटपटा भी लगता है खाने में। और ऐसे बना के रखने से आप किसी को खिला भी सकते हैं और चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे बनाइए, खाइए, कमेंट करिए। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।